मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि कौन सी चीज है जो मैंने नहीं की जो ये कह रहे हैं, क्या हम मैं हमला कर दूं हिंदुस्तान पे? मैं समझना चाहता हूं कि ये जब कह रहे हैं मुझे कोई तजवीज दे, और मैं प्लीज लंबी तकरीर नहीं, मुझे दो मिनट में कह दें कि कौन सा अमल आप चाहते हैं जो मैं ना करूं, जो मैंने नहीं किया अभी तक, मुझे आप मुझे सजेशन दें। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने फिर से कह रहा हूं, आपने इतनी तकरीर की और आपने बताया सारा इमोशनली, तो लोगों हमें किसको नहीं पता, पांच साल आपकी हुकूमत ही, तब तशद्दुद कश्मीरियों पे नहीं हो रहा था, तब आपने क्या किया था, कितनी दफा आपने, कौन सी आपकी डिप्लोमेटिक मिशन थी जब कश्मीरियों बेचारे तकलीफ में थे? हमें तो 11 महीने हुए हैं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं स्पीकर साहब, सिंपल चीज पूछना चाहता हूं, कौन सी आप तजवीज देंगे कि क्या जो इनकी बातों से नजर आ रहा है, जो इन्होंने ललकारा है, क्या हमला कर दूं हिंदुस्तान पे, क्या करूं, और बताइए क्या करें, प्लीज आंसर करें। बिलावल भुट्टो साहब, हाँ बिलावल, बिलावल भुट्टो साहब जी, जी मियां साहब प्लीज। एक तो स्पीकर, आइंदा मैं कोशिश करूंगा कि मैं इमरान अली खान न्याजी कहा करूंगा, मैं कहा करूंगा। दूसरा, किसी ने नहीं कहा आपको कि आप हमला कर दें, अगर आपने करना तो आपकी अपनी मर्जी है, मैंने तो आपको कहीं नहीं कहा, काइंडली डोंट पुट दीज वर्ड इन माई माउथ। मैंने ये कहा कि आप एक फर्म स्टैंड लें, कौम को इंस्पायर करें और कश्मीरियों को मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद का मैसेज दें, कश्मीरियों को उम्मीद दिलवाएं, उनको तस्कीन दिलवाएं, उनके सरों पर दस्त शफ़त रखें और कहें कि फिक्र ना करो, हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हारा कोई बाल बेकार नहीं कर सकता। जनाब स्पीकर, ये कहा था मैंने। अब अगर खान साहब को मेरी बात समझ में नहीं आई तो मेरा कसूर नहीं है।